नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चांदना। आप देख रहे हैं स्टार चचपन न्यूज़। देखते रहिए आज खास समाचार। मंदसौर जिले के दलोदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चोरी की 4 मोटर पंप साथ में सोने चांदी के आभूषण के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि दलोदा थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी ने बताया कि विगत दिनों दलोदा में केशव इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम से अज्ञात बदमाशों ने गोदाम का शटर तोड़कर पानी की 4 मोटर पंप चोरी कर लेकर गए। साथ ही दलोदा के रतनलाल गुगर ने अपने घर से चांदी सोने के आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर दलोदा पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी, जो मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया। कमल उर्फ कोमल पिता रमेश गायरी उम्र 22 वर्षीय निवासी मोरियाखेड़ी, धर्मेंद्र पिता नंदलाल गायरी उम्र 28 वर्ष निवासी झिरखंड, जिनके कब्जे से 2 पानी मोटर पंप और अन्य सोने चांदी के आभूषण के साथ चोरी की वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। दलोदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही में 2 आरोपी गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। ये थाना दलोदा के अपराध क्रमांक 7824 धारा 457-380 IPC और अपराध क्रमांक 86/2024 454-380 IPC। इसमें आरोपी धर्मेंद्र पिता नंदलाल जी गायरी उम्र 28 वर्ष निवासी झिरकन तथा कोमल उर्फ कमल पिता रमेश गायरी उम्र 22 वर्ष निवासी मोरियाखेड़ी थाना सीतामऊ को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें प्रकरण में 2 आरोपी और फरार चल रहे हैं। उसका नाम है रवि पिता राजू और दूसरे का नाम है जगदीश पिता शिवलाल। ये दोनों केलूखेड़ा थाना बरखेड़ा कला के आरोपी हैं, ये फरार हैं। इन 2 आरोपियों को पकड़ा, इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया और इन लोगों ने दोनों अपराधों में मसरूका जब्त कराए हैं। अपराध क्रमांक 78 में आरोपी गणों द्वारा 4 मोटरें पानी की शटर तोड़ के चोरी की गई थी। शटर का ताला चटका के चोरी की थी। उन 4 मोटरों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है आरोपी के निशादेहियों से, तथा 2 आरोपी जो फरार है उनसे जो दिन में घटना करी थी उसमें मसरूका का लगभग आधा जब्त हो चुका है। करीब 40,000 रुपये तक, 45,000 रुपये का और शेष मसरूका का जब्त होना है। जो 2 आरोपी जो फरार हैं वो उनके कब्जे में हैं, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात उनसे मसरूका का जब्त आज न्यायालय पेश कर रहे हैं और इनका PR मांगेंगे। इसका PR के पश्चात उन 2 आरोपियों को तलाश की जाएगी और प्रकरण की विवेचना।